हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। मायावती ने कहा कि गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होता है। सन 2003 में जब हमें बीजेपी की शर्तों से ये लगा कि इनके साथ मिलकर लोकसभा का आम चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी की नीतियाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ा सकती हैं, तो तब फिर मैंने उस समय अपनी पार्टी वह मूवमेंट के हित में लगभग 16 महीनों की चली सरकार के दौरान ही अपने मुख्यमंत्री के पद व अपनी सरकार को खुद ही छोड़ दिया था। पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगों को मानने की भी अपील की। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए, जिनमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना विशेष है। किसान अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हैं। अपने जन्मदिन के खास मौके पर केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूंगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलित है और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जो अभी तक नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें तीन कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए तो ये बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने देश में शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान का भी स्वागत किया और केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की अपील की। मायावती ने कहा कि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार यहाँ के आम लोगों को कोरोना टीकाकरण की सुविधा मुफ्त में नहीं देती, तो आगे बीएसपी की सरकार बनने पर ये सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे तो ये उचित होगा। यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी आगे की रणनीति को भी साफ कर दिया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।